हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिसेंटली मेरा एक जो सॉन्ग है वो मेरा शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो मैक्स है। मैक्स को तो हम जानते ही है, शुगर के साथ भी काम किया है वो तो। और मैक्स को तुम लोग अगर बहुत जन को नहीं पता होगा तो वो जो सॉन्ग है येट टू कम, वो भी मैक्स मतलब को राइट किया है। तो डेफिनेटली बिहाइंड द सीन मतलब ये ज़्यादा मतलब एक्टिव है, ऐसा म्यूजिशियन बोला जाए तो ऐसा देखने में अच्छा लगता है जब बिहाइंड द सीन जो म्यूजिशियन जो काम करते हैं वो खुद खुद का भी म्यूजिक उसका जो पॉपुलर हो। तो शॉर्ट्स में मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा था ये सॉन्ग, तो पहले ये सॉन्ग चेकआउट करते मेरा दिमाग में बैठ गया ये शॉर्ट्स का। हम जब भी कोई गेम, हम ऐसे शॉर्ट्स चलाते नहीं है, पर जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो उसमें जो वेटिंग टाइम रहता है तब के सब तब थोड़ा शॉर्ट्स चला लेते हैं, क्योंकि बहुत एडिक्टिव है, यू नो दैट। तो डेफिनेटली तुम लोग को भी हम यही राय देंगे, शॉर्ट्स जितना चाहे अवॉइड करो। लॉन्ग टर्म वीडियो में ज़्यादा ध्यान दो, शॉर्ट्स अवॉइड करो। हम भी ज़्यादा शॉर्ट्स डालते नहीं है, बंद कर दिए। चैनल का ग्रोथ तो हो जाएगा शॉर्ट्स से, पर एकदम माइंड एकदम सही नहीं रहता शॉर्ट्स। तुम देखो, तुम 2 घंटा 3 घंटा लगातार कब कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। तो वो बहुत टॉक्सिक चीज़ है मेरे तरफ से, हम रेकमेंड करेंगे तुमको अगर इम्प्रूव करना अपना लाइफस्टाइल। तो वही, चलो वही सब ज्ञान ना दे के इग्नोर करके हम पहले ये चेकआउट कर लेते, ये फुल सॉन्ग तुम लोग के साथ ही करते हैं, मुझे करते हैं। फिर लास्ट एयर फिल्म का 3 सॉन्ग हम चूज़ किए, मेरे को तो 2 रिकमेंडेशन में आया था और 2 हम चूज़ किए खुद से, मतलब दो दो रिकमेंडेशन में आया था, एक हम खुद से चूज किए और एक तो ये मैक्स का स्टूपिड इन लव। तो एक होगा लास्ट एयर फिल्म का एंटी जो भी है, स्मार्टर इजी, और ये तो पहले ये सुनते हैं, ठीक ना? पहले ये सुनते हैं फिर ये सुनेंगे। लेट्स गो गाइस। ये वो वाला फीलिंग, पुराना टीवी वाला फीलिंग दे रहा है ये वीडियो तो। एज अ पर्सनैलिटी हमको मैक्स पसंद नहीं है, पर एज अ सॉन्ग राइटर जो सॉन्ग ये लिखता है, डेफिनेटली हैंड्स ऑफ। तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते हम। सॉन्ग मतलब एक सॉन्ग में वो नेचर है ना, जो तुम कभी भी कहीं भी मूड ठीक मतलब अच्छा करने के लिए ही करते हो, कि मूड भाई है तो डाउन है ये वो प्लेलिस्ट में जाएगा। मतलब डेफिनेटली जब मूड खराब है तो एकदम मूड फ्रेश तो ये नहीं कर पाएगा, मूड अच्छा कर पाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर कर पाएगा। ये सब ये पावर दिख रहा है इस सॉन्ग में। अब भाई जो जो प्रोड्यूस किया इस सॉन्ग को, भाई बहुत मेहनत लगा पीछे। इंजीनियरिंग जो सॉन्ग का है ना, बहुत कैची और बहुत ज़्यादा लेयर्स है। दे तुम सुन सकते हो कि हर चीज़ में जो जो एक शेक भी तुम सुन पा रहे हो उस पर 3 4 लेयर और लगाया हुआ है, जिससे तुम साउंड थोड़ा एकोई और थोड़ा अच्छा लगे। नाइस सॉन्ग। हमको डेफिनेटली ये सॉन्ग अलग से डालना चाहिए था, नहीं पता क्यों हम इसको इसके लास्ट एल्बम का फर्स्ट रिएक्शन में डाल रहे, बट तुम लोग के लिए डेफिनेटली। नेक्स्ट सॉन्ग है लास्ट सेरेफिम का एंटी रॉयल जो भी है, भर हमेशा प्रोनाउंस करने जाते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेट्स गो नॉट लीड फोर, लेट्स गो एंटी फ्रेजाइल। हम क्यों उसको कुछ और पढ़ने जा रहे थे, वही मेरा ब्रेन शॉर्ट सर्किट कर जाता है कभी कभी। ये पार्ट हमको एकदम पसंद नहीं आ रहा है, पहले बोल दे रहा है आई एम एंटी फ्रेजर, बहुत बहुत ऑकवर्ड और एकदम मुंह पे है। वोकल्स आई लाइक इट भाई, अचानक से भाई
वो एंटी जी फ्रेजल फ्रेजल वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट अगर कट कर दिया जाए तो यस, वोकल्स हमको बहुत पसंद आया जो फर्स्ट में जो 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 थी। ये सॉन्ग में वो सब सब एलिमेंट दिख रहा है जो इसको ट्रेंड पे ले जा सकता है, मतलब काइंड ऑफ हमको जो वर्ड है एंटी फ्रेजल वो पसंद नहीं आया समझ। तो बार बार जब रिपीट हो रहा था थोड़ा सा मेरे को ऑड लग रहा है, बट एज अ सॉन्ग, एज अ वोकलिस्ट, एज अ जो सॉन्ग राइटर जो भी इसका सॉन्ग रखा है, वो जो अराउंड जो जितना भी चीज़ है वो एकदम परफेक्टली डन है। और बहुत मतलब ऐसा लिखा है कि भाई ये एकदम सॉन्ग वन ऑफ द ट्रेंडिंग सॉन्ग में से एक हो, क्योंकि जो एंटिटी फ्रेजल फ्रेजल होता है ना, वो एक सॉन्ग को एक अलग ही रिदम दे रहा है। वो नहीं रहा, मतलब हमको वो चीज़ ऑड लग रहा है, बट वही चीज़ जो है सॉन्ग को एक, वो एक पजल पीस की तरह है जो वो जो रिपीट हो रहा है ना, एंटिटी पीटी फ्रेजल फ्रेजल, वो पीस को अगर हटा दो ना सॉन्ग पूरा ऑकवर्ड लगेगा। तो वो एक पजल को फिट कर रहा है जो हमको सबसे ऑकवर्ड लग रहा है, नहीं पता क्यों, पर सॉन्ग अच्छा है, ऐसा नहीं सॉन्ग खराब है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, पर वो वर्ड मेरे को नहीं पता ऑड लग रहा है। जब एंटी फ्रेजल बोल रही है ऐसा कर रही है भाई, मेरा रिश से भी छोटा हाथ है भाई ये लोग का। इसलिए ना भाई, ये देखो ना भाई, ये लोग का ये जितना है मेरा रिश्त भी उससे बड़ा है। तो थोड़ा झूठ नहीं करता है। You can chain me, cause I'm gonna break out, gonna break out, girl. We can break it, baby. हमको वहां पर VFX जो था फुल्ली अननेसेसरी लगा, कुछ ज्यादा ही अननेसेसरी था। वो जो मीटियर गिरा उससे ट्रांजिशन कितना गंदा हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा रॉक पीस उसके सामने आया और कुछ नहीं हुआ, बहुत अननेसेसरी हुआ था मेरे हिसाब से। ये क्या बोलते हैं जो ट्रांजिशन तो था, जो VFX प्लस Like it, twist it, like it, baby. All I know is you can't chain me, cause I'm gonna break out. वो अच्छा था, ये अच्छा था। यहाँ पर जब उस पे ये मीटर गिरा वो हमको उतना पसंद नहीं है, पर यहाँ पर अच्छा था। ये एकदम एक वीडियो का टोन चेंज कर दिया, जब बिल्डिंग विल्डिंग टूटा हुआ, पहले बिल्डिंग विल्डिंग पूरा सही था, जब ये गिरा अब Hey. But a juggle, I'm anti-fragile, anti-fragile.
एंड टाइप प्रजल भाई म्यूटर गिरा दो लोगों पर। ओ भाई नहीं, कुछ मैं सेंस नहीं किया, हमको लास्ट बिट फनी लगा। नेक्स्ट सॉन्ग है स्मार्टर 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 वेरी वेरी स्मार्ट भाई। चश्मा भाई, स्मार्ट को चश्मा से क्यों रिलेट किया जाता है भाई? चश्मा पहन लिए स्मार्ट, हम भी स्मार्ट बनेगा भाई। आई एम नॉट डम, आई एम नॉट डम। ये तो इस चश्मा का इतना प्रॉब्लम है ना, बार बार गंदा हो जाता है, वेरी हार्ड टू मेंटेन। टी 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 फ्रेजल। ओ भाई, इस सॉन्ग का जो मीनिंग था उसको छोड़ के सॉन्ग के बारे में सब बच्चा था। लेट गो, आई एम स्मार्ट टू, यू आर नॉट ओनली स्मार्ट। लेट्स गो, एवरीबॉडी हियर इज स्मार्ट। अरे भाई, कॉफी में कौन स्मार्ट लिख के पीता है भाई? अब ये ओवर स्मार्ट वाला काम हो रहा है भाई। ये कोरियन में होगा ना, सबटाइटल्स ऑन कर देते। I'm a smarter baby, smarter, smarter baby, smarter। ये क्या वाइब था भाई? ये अचानक से अफ्रीकन बीट में स्विच हो गया, मतलब वो फुल अफ्रीकन बीट वाला वाइब आया, जो ट्राइब में चलता है ना जो वाइब, वो वाला पूरा बीट में स्विच होके। नाइस नाइस नाइस। I'm a smarter baby, smarter, smarter baby, smarter। 하늘 보면 별까지 간파했을 돌보지 원나비 ये डेफिनेटली ये सॉन्ग बताए मेरे को पूरा अफ्रीकन ट्राइब वाला वाइब दे रहा है डेफिनेटली। तुम लोग अगर तुम लोग और जब इधर उधर का म्यूजिक एक्सप्लोर किए हो कि नहीं, नहीं पर हम किए हैं, अफ्रीकन फंक का तुम म्यूजिक जाओगे ना तो थोड़ा ओल्ड अफ्रीकन ट्राइब का सॉन्ग में जाओगे। हमको ज़्यादा ही म्यूजिक एक्सप्लोर करते हैं इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो भाई म्यूजिक से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। तो हम बहुत, मतलब जब छोटे थे तब से हमको म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है ना, हम चाहते थे कुछ करने का, बट हो इग्नोर। हॉस्टल वोस्टल में तो सब ज़्यादा कुछ और मेरे को सीखने को मिला म्यूजिक के अलावा। तो हम डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ तो अपने तरफ से म्यूजिक का ऐसा कुछ करेंगे जो लोगों को हेल्प करे, तो डेफिनेटली वो तो होगा। इग्नोर इग्नोर, हम बोल रहे हैं ये जो फीलिंग है, जो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो एकदम अफ्रीकन ट्राइब का, जो कोर में जो म्यूजिक का जो कोर होता है ना, जैसे इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक का तुम इंडियन म्यूजिक कब बोलोगे? जब तुम तबला सितार ये सब सुनोगे। यहाँ पर जो सुनने को मिल रहा है वो अफ्रीकन ट्राइब का जो कोर में म्यूजिक में होता है वो तुमको सुनने को मिल रहा है। डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं किए थे ये आएगा। डेफिनेटली मॉडर्न बीट से वो अपग्रेड किया हुआ है, पर जो अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिल रहा है वो देखना कौन कौन सा है। ये लोग अपना नाम ड्रॉप किए ऐसा, लास्ट लास्ट सेरेफिम लीड मी टू विक्टरी। नाइस। आई एम स्मार्टर बेबी स्मार्टर, ठीक है तो उसमें स्टेप में कुछ और ही लग रहा है भाई। भाई स्टेप पर वर्ड मैच नहीं कर रहा है भाई। भाई कोई हिप से कैसे स्मार्ट हो सकता है भाई?
सॉरी सॉरी, म्यूजिक पे ध्यान देते। अगर लिरिक्स रहता आई एम सेक्सियर बेबी सेक्सियर, तब वो सेंस बनाता, स्मार्टर में सेंस नहीं बनाता। अगर यहाँ पर स्मार्टर है तो स्टीरियोटाइप स्कूल स्कूल ड्रेस में क्यों है सब? ये इतना स्टीरियोटाइप यूज क्यों हो रहा है? हमको ये ऑकवर्ड लगता है कभी कभी। देखो ये शॉर्ट में हमको तीन चीज ऑकवर्ड लग रहा है। सॉन्ग अच्छा है, सॉन्ग बुरा नहीं है। पीछे एक गाय स्कर्ट पहन के खड़ा है, सबसे बड़ा ऑकवर्ड चीज वो लग रहा है मेरे को। यहाँ पर स्कूल स्कूल भाई स्मार्टर को भाई ये लोग और डम वाला चीज कर रहा है। स्मार्ट बोल के भाई स्कूल किड को साइड में बैठे, स्कूल मतलब स्कूल ड्रेस पहना के साथ में बैठा दिया, ये लोग बीच में बैठ के ट्वर्क कर रही है। वो डेफिनेटली वो स्मार्ट लुक तो काम नहीं करता, वो तो डेफिनेटली गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है यहाँ पर लास्ट सर्वे के द्वारा। मैं सब फन वे में बोल रहा हूँ, कोई सीरियसली ना ले लेना। वो स्कर्ट पहन के क्यों खड़ा है इतना कॉन्फिडेंस, हमको ये जानना है। लिटरली हमको देखने में ऑड लग रहा है। ये असेंबली चल रहा है यहाँ पर, हमको सेंस नहीं, मतलब भाई गाना अच्छा है पर हमको वीडियो सेंस नहीं बना रहा भाई। स्मार्टर बोल के सब ग्लासेस पहन के है, मतलब स्मार्टर भाई छोड़ो भाई। नहीं अब हमको समझाओ, यहाँ पर स्कूल मतलब एज अ लोग वो लोग स्कूल माने है नहीं, मतलब स्कूल वाले है नहीं, पर स्कूल ड्रेस में खड़ा करके तुम एज अ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ लड़का भी है क्या जो स्कर्ट पहना हुआ है, वो मेरे से इग्नोर नहीं हो रहा है, बट जो भी है। फिर अचानक से वो लोग भी ट्वर्क करना चालू कर देता है तुम्हारे साथ। क्या आई एम स्मार्टर बेबी स्मार्टर, भाई क्या चल रही है? ना 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 ना, बहुत ऑकवर्ड वीडियो है, एकदम सेंस नहीं बना रहा। अगर तुम लोग अगर कॉमन सेंस से देखोगे तो ये एकदम जो सोचा है भाई उसका दिमाग भाई वो एकदम स्मार्ट नहीं है भाई, डम पर्सन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट सोचा गया है। अगर तुमको स्मार्टर है तो ये गाना का अगर तुमको ये वीडियो बनाना है तो एक स्कूल कॉन्सेप्ट कर ले लो, बहुत कॉमन है पता है के पॉप में, बट ऐसे भाई स्कूल एक असेंबली कैटेगरी का साइड में खड़ा करा के एक ऑकवर्ड देखो ना। तुम खुद अपना अपना अगर तुम लोग जो देख रहे हो माइंड सेट अपना एक उसमें करो कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये लोग पे बहुत पावर है। अब ये मजाक में भी नहीं बोल रहे, ये लोग पे बहुत पावर है, समझ रहे हो? ये लोग पूरा मतलब एक होता है कि एक पूरा स्टेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है कुछ करके, समझ रहे हो? जैसे इंटरनेशनली अभी जो US में तुम लोग देख रहे हो कि भाई फीमेल्स लोग पूरा नॉर्मली भाई वाइल्ड जा रही है भाई, पूरा मतलब ट्वर्किंग नॉर्मल हो चुका है, समझ रहे हो? अब मतलब क्या बोले भाई, फेमिनिन का नाम पे कुछ और ही चल रहा है भाई, फेमिनिस्ट के नाम पे कुछ और ही चलता है। तो डेफिनेटली उस चीज़ से हम अग्री नहीं करते, बट यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। तुम स्कूल एज अ स्कूल
स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसा अपना बैकग्राउंड में, और उसको भी टर्क करा रहे हो, तो डेफिनेटली अच्छा मैसेज तो जा नहीं रहा है। अब प्लस स्मार्टर बेबी स्मार्टर, मतलब तुम वो तो एक फेडिस आउटफिट में हो गया, ये लोग एकदम स्कूल ड्रेस पहन के एकदम चश्मा लगा के आई एम स्मार्टर बेबी स्मार्टर, उसमें से टर्क किया जा रहा है। स्टेप भी पे सेंस बनाओ ना। देख रहे हो ये लोग, मतलब पता है लोगों को कूल सेक्सी लगना है, स्कूल ड्रेस पे स्कूल का कॉन्सेप्ट में स्कूल थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, स्कूल आउटफिट में आना है ये लोग को। और टाई नीचे पहनी हुई है भाई, टाई ऊपर करो भाई, कमर में टाई कौन पहनता है अभी, कूल देखना है। अब डेफिनेटली देखना तुम लोग को भाई, बहुत जन को अगर भाई तुम अगर स्कूल टीनेजर रहती है ये समय, बहुत कोई तुम लोग मेरे मेरे में फीमेल ऑडियंस बहुत है ठीक है ना, यहाँ पर अगर मतलब अगर कोरिया में तो स्पेशली जो फीमेल ये टीनेजर्स है जो लोग लासर एफएम को मतलब फैन है एकदम, एक होता बहुत मतलब फैन का लेवल बहुत हाई चला जाता है बहुत जन के माइंड में, वो लोग लिटरली स्कूल ऐसे ऐसे ये ऐसे टाइप पहन के जाएगी, अगर कोई उन लोगों को टोका तो पूरा वर्ल्ड बुरा इंसान है। तो डेफिनेटली ये होता है ना कि कॉपी का अपना आइडल को कॉपी करने के लिए, इसलिए लोग को आइडल बोला जाता है, अपना आइडल को कॉपी करने के लिए कुछ ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं करना है भाई। हम तो एकदम सपोर्ट नहीं करते ये चीज़ को, एज अ नॉर्मलाइज करना है स्टूडेंट लोग अभी भाई भाई, हम एकदम अंकल बनते जा रहे हैं, बट डेफिनेटली हम ये चीज़ अगर ऑकवर्ड लगता तो हम डेफिनेटली बोल देते तुम लोग को, तो डेफिनेटली इसलिए मैं हम रिएक्शन चैनल हम होल्ड बैक नहीं करते, ना तो मेरा भाई रिएक्शन चैनल का भाई जो इंटेंस से हम स्टार्ट किए थे, मैं स्टार्ट करने का जो रीज़न था वही चेंज हो जाएगा, तो मेरा ये करने का रीज़न नहीं बनता। डेफिनेटली सॉन्ग 10 ऑफ 10 था भाई, स्मार्टर भाई स्मार्टर मेरा दिमाग में ऐसे ही बैठ गया, बट जो कॉन्सेप्ट था इलाका वीडियो में मेरे को पूरा थ्रो ऑफ कर दिया, और भाई ना अब यही पर ये लोग, अब यही पर ये लोग का फैंस क्या बोलेगा, क्या पॉजिटिव है भाई, क्या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फैलाया गया है, कचड़ा को स्मार्ट हो तो कचड़ा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऑल वर्क क्लैप फॉर लॉस एर एफ एम, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है यहाँ पर, क्या पॉजिटिव या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चल रहा है यहाँ पर। तुम वीडियो के एंड में ये कर रहे हो कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि डस्टबिन में ना फेंको, मतलब डस्टबिन में फेंको कचरा को, और तुम यहाँ पर स्टूडेंट को टर करते हुए दिखा रहे हो। नाइस 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 भाई, क्या पॉजिटिव ग्रुप है भाई। नेक्स्ट सॉन्ग है इजी भाई, हम सब ग्रुप का सेकंड पार्ट आएगा, पर अगर इस वीडियो में भी हमको कुछ वैसे नेगेटिव मेरे तरफ से तुम लोग की तरफ से हम क्या थॉट्स है वो हम तुम लोगों के कमेंट में हम सुन लेंगे, बट इसमें भी कुछ हमको ऑकवर्ड लगा तो हम लास्ट सिर्फ हमको वापस चेक नहीं करेंगे। डा 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 ओ भाई प्रोडक्शन, ओ भाई ये पूरा कितना कूल चर्च है, चर्च यहाँ पर डेविल आए एंजल आए, अब बीच में हार्ट ला सेराफिम का लोगो, काइंड ऑफ हार्ट लोगो फायर। सी सो प्रिटी मैन, ये बोलना चाहता हूँ I'm making it look easy.
हमको ये पार्ट बहुत बहुत पसंद आ रहा है जो transition Seraphim. Let me comment check karte ho waiting for 2025 Jungkook in the background dead wing eaten by bird time eh Jungkook background mein tha kya bolte ho jigeum yeogi pyeongbomhajiman okay ye on cam kalpit check out kar rahe the sorry my bad easy smarter are the top 10 of all charts aur acha keep singing a song like wow not only the charts my first 8 million plus हम इसका चेकआउट करना चाहेंगे कमेंट इसमें क्या बोल रहे स्मार्टर When a song is so popular, it needs their own. और इसका MV का प्लान नहीं था क्या देर से आया था क्या ओके लुक लाइक द कल ग्रुप इन लास्ट रेफिन डजंट मिस आई लव फिर ऑर्डर कर दूंगा तो फिर Last ring B side are always the coming through. The crazy can't wait to next come. Title crazy. This dance is so ethnic. Why is nobody talking about lyrics? They all hit the bass. This song, the lyrics are so meaningful and smart. Huh. Yeah, classroom always amazing. Which side? This song, so editing choreography looks so difficult and... As the comment ke liye to wait kar rahe the. The song is so addicting. True? The choreo looks so difficult and meaningful. और मीनिंगफुल लिरिक्स वही सोचे कोरियोस लुक्स और डिफिकल्ट हमको लगा कोरियोस को मीनिंगफुल लगा भाई वाओ सॉरी हम तो हम कुछ खोज खोज रहे हैं जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे बी सेट क्लास सेरेफिम
कोई नहीं, कमेंट कमेंट सेक्शन तो तारीफ से ही भरा हुआ है सब। मतलब अच्छा सॉन्ग है डेफिनेटली। हम नेगेटिव कुछ नहीं खोजने गए थे, पर हमको लगा कि ये चीज कोई तो पॉइंट आउट किया होगा जो हम पॉइंट आउट किए गए। तो डेफिनेटली भाई के पॉप में भाई एक होता है ना, के पॉप को फॉलोइंग बहुत ज्यादा, मतलब एक ऐसा है कि भाई वी सपोर्ट यू, ठीक ना। बट कुछ जैसे कोई फैन है, ठीक ना, एग्जाम्पल ले लो, वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही देखेगा। तो एज अ मेरा काम, एज अ रिएक्टर मेरा काम है कि भाई तो वो पॉजिटिव टाइप को हाईलाइट ना करके भाई जो नेगेटिव साइड है उसको भी हाईलाइट करना। हम एज अ हेटर नहीं बन रहे, क्योंकि हमको सॉन्ग बहुत अच्छा है। एज अ नॉन वीडियो देखते तो सॉन्ग मेरे लिए एकदम बहुत अच्छा होता, पर वीडियो ना। और इजी का बात किया जाए तो इजी का भी डेफिनेटली इजी में जो जो मिडिल पार्ट जो फास्ट हो जाते हैं, वो पार्ट मेरे को बहुत पसंद आया। बट पूरा और वो थोड़ा ऑटो ट्यून का थोड़ा मेरे को ऑकवर्ड लगा, जो रिपीट वाला ऑटो ट्यून था, जो सेकंड का वोकल्स था, वो मेरा सूट नहीं किया। तो एज अ मेरे को स्टूपिड स्टूपिड इन लव 10 out of 10, जो उसके बाद जो सॉन्ग था स्टूपिड इन 10 out of 10, इसको एंटिटी फ्रेजल हमको उसको 7 out of 10 देंगे, क्योंकि जो वर्ड हमको फनी लगा, लिटरली मजाक भी नहीं कर रहे। इसका अगर एज अ सॉन्ग हम 10 out of 10 देंगे, एज अ म्यूजिक वीडियो ले लोगे तो हम 2 out of 10 देंगे, क्योंकि भाई म्यूजिक वीडियो वन ऑफ द टेस्ट म्यूजिक वीडियो भाई सेंसर ने बनाता एकदम कुछ भी। ओह लाइक क्यों दे रहे भाई। हाँ तो मेरे लिए एकदम सेंस ने माना था वो चीज़ जो ये लोग कर रहा था। और डेफिनेटली हम ये अग्री तो नहीं करना चाहेंगे जो हो रहा है भाई। और लास्ट में जो इजी बोल का जो सॉन्ग था, वो डेफिनेटली मेरे टाइप का नहीं था, पर अच्छा सॉन्ग था, मज़ा आ गया। और थैंक यू वॉचिंग गाइस। सर तो हम अपना ओपिनियन मेरे को अपना कॉमेंट में दे सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली हमको सुनना है तुम लोग की तरफ से। हम जो थाट्स देते हैं, मेरा जो थाट्स है वो तुम लोग अग्री करते हो कि नहीं है, तुम लोग अपना भी थॉट शेयर कर सकते हो, हेल्प करता है डेफिनेटली। और वही बोलते हैं तुम लोग। हेलो भाई भाई पर क्या और जाके हमको बता सकते हो क्या और रिएक्ट करें, क्या चीज पे तुम लोग को और चाहिए। हम क्यों अटक करें नहीं पता आज को, डेफिनेटली पहले से ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे कैमरा के सामने, नहीं पता। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर जाना। और तुम लोग 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है, तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए और नए हो चैनल पे तो करो। अगर तुम लास्ट शरीफ फैंस हो तो सॉरी, बट हम जो जितना बात बोले हम ट्रू बोले, हमको घंटा फर्क पड़ता है तुम लोग चैनल में आओ या ना आओ क्योंकि भाई रूट था। बट सॉरी, बाय बाय, सही हो ना रहा गाइस।